Hello, my dear students. So, welcome again in my YouTube channel. Today, we are going to discuss about very important topic, that is about CSF. CSF stands for cerebrospinal fluid. आप सभी को पता है कि हम लोग का आजकल जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो नर्वस सिस्टम है. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में काफी डिटेल में देखा था. आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड क्या होता है और इसका क्या फंक्शन. तो पहली बात तो ये है कि इट इज अ फ्लूड विच इज क्लियर, और इसके मीडियम की अगर हम लोग बात करें तो ये अल्कलाइन होता है. अगर हम इसका पीएच देखें तो ये अल्कलाइन है, इट इज नॉट एसिडिक एंड इट इज सिमिलर टू लिम्फ. मैंने एक सेपरेट वीडियो आपका लिम्फ पे डाला हुआ था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि लिम्फ कंसिस्ट ऑफ ओनली WBC, दैट इज ल्यूकोसाइट्स. तो इसकी कुछ सिमिलैरिटी लिम्फ से है और ये काफी स्लो सर्कुलेशन में रहता है विद इन द कैविटीज और सेंट्रल कैनाल. और आपको मैं बता दूं कि ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड है इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी ये जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स. तो आप देखेंगे जो स्पेस होती है बिटवीन द एराचिनॉइड एंड पायामीटर. लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था अपने कि जो हमारी मेनिंजेस हैं उनमें तीन लेयर्स थी, ड्यूरामीटर, एराचिनॉइड और पायामीटर. तो यहाँ पे जो एराचिनॉइड और पायामीटर है उनके बीच का जो स्पेस है वो एक फ्लूड से फिल्ड है और उसी स्पेस को सेरिब्रोस्पाइनल स्पेस कह सकते हैं. एंड द फ्लूड विच इज फिल्ड इन दिस स्पेस इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड. तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में. इसका क्या फंक्शन है, लोकेशन की बात हम लोगों ने कर ली, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली कि कैसा नेचर है. तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है. और आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हम लोगों ने उसको क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन. तो इट विल प्रोटेक्ट CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. कैसे बचाएगा, किसके अगेंस्ट बचाएगा, ये पॉइंट भी जानना बहुत जरूरी है. तो इट विल प्रोटेक्ट CNS अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक्स. जितने भी मैकेनिकल शॉक्स होते हैं, जितनी भी इंजरीज होती हैं, उससे ये प्रोटेक्ट करेगा मैकेनिकल शॉक से. एंड एक्ट एज अ कुशन, मैकेनिकल शॉक्स एंड इंजरीज. और आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग मैकेनिकल शॉक्स एंड इंजरीज दिस CSF एक्टिंग एज अ कुशन. ये जो CSF है एक्ट एज अ कुशन की तरह काम कर रहा है. दूसरी बात इसके फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे क्रेनियम में, जो क्रेनियम जो कैविटी है, जो आउटर जो कवरिंग है ब्रेन की, उसके अगेंस्ट या जो उसका जो प्रेशर है कॉन्स्टेंट प्रेशर को मेंटेन करता है. क्रेनियम मेंटेन कॉन्स्टेंट प्रेशर इन क्रेनियम, कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे यहाँ इसके प्रेशर में, इसके वॉल्यूम में. जो ब्लड का प्रेशर होगा क्रेनियल वेसल्स में उसके प्रेशर को हमको नॉर्मल कांस्टेंट रखना है. और उसको कांस्टेंट रखने के लिए स्टूडेंट हमें क्या चाहिए होगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड. हमें फ्लक्चुएशन से बचाना है, क्रेनियल वेसल्स के अंदर का जो ब्लड है उसके फ्लक्चुएशन को बचाना है, तो उसलिए हमें ये काम करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करें तो जितनी भी ब्लड वेसल्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड कंटेन करेंगी वो क्या करती हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करती, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक्सचेंज होता है और जितना भी वेस्ट है नर्वस टिश्यूज के बीच. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड है वो न्यूट्रिटिव फंक्शन भी करता है और एक्सक्रीटरी फंक्शन भी करता है. न्यूट्रिटिव कैसे कहेंगे स्टूडेंट्स, न्यूट्रिटिव इसलिए होगा क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशंस में मदद कर रहा है. एक्सक्रीशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको रेस्पिरेटरी गैसेस जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में है उनको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है. तो दिस CSF इज एक्टिंग एज न्यूट्रिटिव एज वेल एज एक्सक्रीटरी फंक्शन.
या इनका एक्सक्रीटरी और न्यूट्रिटिव दोनों तरीके से फंक्शन प्ले करेगी। सो CSF के बारे में इतना ही, क्लास 10th लेवल के स्टैंडर्ड पे हम लोग इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट का जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा होगा ह्यूमन ब्रेन के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड और ह्यूमन ब्रेन दो पार्ट हैं। पहले हम लोग ब्रेन को डिस्कस करेंगे कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से रीजन हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे किसका क्या फंक्शन है, और देन एक नेक्स्ट वीडियो होगा स्पाइनल कॉर्ड पे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर कंटिन्यूअस सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियोज। आई होप वी विल मीट सून। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।